हाय, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा, आज के इस लेक्चर में बात कर रहे हैं हम लोग क्लास 11th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, एंड द चैप्टर इज गोइंग टू बी रनिंग इन द मेन हेडिंग, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन। ठीक है ना, अब बात करें बॉडी फ्लूइड्स की, तो हमारे शरीर में कौन कौन से लिक्विड मटेरियल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, उनकी बात करते हैं। ये बॉडी फ्लूइड्स आप लोगों का, और अगर सर्कुलेशन की बात करें, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्कुलेशन, देन हाउ गेट दे सर्कुलेट, वो किस तरीके से सर्कुलेट होते हैं। बिफोर दिस चैप्टर, इस चैप्टर से पहले वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यानी ऑक्सीजन और CO2 जो है वो किस तरीके से आपकी बॉडी में क्या हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, उनको कौन ले जा रहे हैं। वी नो दैट देयर इज हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, एंड व्हेन एवर इट इज बाउंडिंग विद ऑक्सीजन, दैट इज फॉर्म HBO कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ठीक है ना, ओके। और ये जब CO2 बनाता है तो कार्बोनिल हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है, जब CO2 के साथ जुड़ता है। तो हमें पता है इन शॉर्ट कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, गैस का एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन है क्या, उसकी रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, हमें सबसे पहले आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा इसके बारे में, ठीक है ना, कि बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन क्या है और हमें उसकी रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, व्हाट इज द बेसिक नीडेड, ठीक है, उनकी मेन नीड क्या पड़ी। तो हम लोगों ने पढ़ा था, व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट आवर फर्स्ट टॉपिक, जो हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था लिविंग वर्ल्ड, देन वी डोंट दैट वी नो दैट व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग, हम लोगों ने जो लिविंग बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, ठीक है, तो उस समय मैंने क्या बताया था, उस टाइम मैंने बताया था कि देयर इज अ सेल, कि लिविंग बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया था कि एक सेल होती है, ठीक है, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म कंटेन देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द सेल, यानी कि हर एक टाइप की जो सेल है उसका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, उसका अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसकी अलग अलग फंक्शनिंग होती है, राइट, एग्जैक्टली ऐसा ही था, ठीक है, कि हर एक टाइप के आप लोगों का जो सेल होता है, उस सेल के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग फंक्शनिंग होती है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना। ऑन द बिहाफ ऑफ स्ट्रक्चर वी आर कैटेगराइज इन दोज बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ओके। ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू डिफरेंट, कि किसी का न्यूक्लियस जो पेरिफेरल एरिया में, किसी का न्यूक्लियस जो सेंटर में, ठीक है। देर आर सम सेल्स दैट आर गोइंग टू बी ए न्यूक्लियेटेड, कुछ सेल्स ऐसी हैं जो ए न्यूक्लियेटेड भी होती हैं, राइट। तो अब ए न्यूक्लियेटेड की अगर मैं बात करूं, ओके, एंड वी नो दैट देयर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस, अलग अलग काइंड की सेल्स जो हैं उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उनके क्या होते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ओके। तो अब देखिएगा इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अलग अलग टाइप के सेल्स की और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनिंग अलग अलग होती है, ठीक है ना। लेकिन मेजर क्वेश्चन इज देयर व्हेनेवर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक, अगर हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करें तो मेन क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द नेसेसिटी, ठीक है, कि नीड क्या है और नेसेसिटीनेस क्या है, यानी कि क्यों ये दोनों जरूरी है, बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन क्यों जरूरी है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें। अब फॉर एग्जांपल मैं बात करूं एक सेल को, ठीक है, सेल जो है वो रेस्पिरेट तो कर नहीं सकता, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर ले नहीं सकता, ना वो CO2 को बाहर रिलीज कर सकता है, ब्रीदिंग प्रोसेस तो नहीं कर सकता, ठीक है। हमें पता है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ब्रीदिंग प्रोसेस करता है, लेकिन सेल के अंदर क्या है, ब्रीदिंग जो है वो एक्सेप्ट होती है। अब सेल क्या करेगा, किस तरीके से, बिकॉज हमें पता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव फ्लूइड है ग्लूकोज, ठीक है, अब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा और ATP बनेगा। अब ATP बनना है कहां पर, सेल के अंदर, लेकिन सेल क्या है, ब्रीद तो कर नहीं सकता, और ATP बनता है कैसे, जब इस ग्लूकोज के ऊपर ऑक्सीजन अटैक करेगा देन क्या करेगी सेल जो है वो ATP का फॉर्मेशन करेगी, लेकिन वो ब्रीदिंग तो कर ही नहीं रहा है, ऑक्सीजन कहां से लेगा, देन दे आर गोइंग टू बी थ्रू द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना। तो उसे कौन देता है बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ऑक्सीजन कहां था, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर था, और ग्लूकोज कहां था, आप लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर था। लेकिन अब ये ग्लूकोज भी बेटा सेल के अंदर आएगा, ऑक्सीजन भी सेल के अंदर आएगा, तो वो लेकर कौन आएगा, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, ठीक है ना। वो किसके थ्रू पास आउट होते हैं, वो किसके थ्रू मूव होते हैं, दीज सब्सटेंसेस आर मूव थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू मूव होते हैं, ठीक है ना। सो वी कैन से फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मैंडेटरी, ठीक है, कि न्यूट्रिएंट के और आप लोगों के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के लिए द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मैंडेटरी, वो बहुत जरूरी होता है, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इट इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात करें, देर आर अदर सब्सटेंसेस, ठीक है ना,
ठीक है, ये तो हम लोगों ने बात की कि भाई ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर आ रही है और आने के बाद वो क्या बना रही है, ग्लूकोज के ऊपर अटैक करके वो एटीपी का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, ये तो ठीक है आप लोगों का हो गया। अब एटीपी का अटैक, एटीपी का फॉर्मेशन तो हुआ सेल के अंदर, लेकिन देयर आर सम अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, अब कुछ अदर सब्सटेंसेस का मतलब देयर अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, जिसमें आप लोगों के ग्रोथ हार्मोन्स आते हैं और ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं, ग्रोथ फैक्टर और ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, अब ये ग्रोथ फैक्टर और ग्रोथ हार्मोन्स क्या काम करते हैं, बेसिकली हम लोग बात करें दे आर कैटलाइज आर ग्रोथ रिएक्शन। ये हमारी ग्रोथ रिएक्शंस को क्या करते हैं, कैटलाइज करते हैं। ये हमारी ग्रोथ रिएक्शंस को क्या करते हैं बेटा, कैटलाइज करते हैं। राइट, अब बात करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ सब्सटेंसेस किस तरीके से ट्रांसफर होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। सपोज है कि ब्रेन, ये हमारा ब्रेन है और ब्रेन में आपका हाइपोथैलेमस, उसके बाद में पिट्यूटरी है। अब क्या करेगा, पिट्यूटरी जो है वो एक ए हार्मोन रिलीज करता है, उसका टारगेट है यहां पर। ये क्या करेगा, यहां से पिट्यूटरी यहां तक तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो ये ब्लड के थ्रू या बॉडी फ्लूइड्स के अंदर आप लोगों के क्या डाल देता है, हार्मोन को रिलीज कर देता है। एंड हार्मोन्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ रिसेप्टर्स, हार्मोन्स जो रिसेप्टर से आगे जुड़ जाएगा और उसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, क्लियर है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि पिट्यूटरी से कोई हार्मोन निकल रहा है जो पैंक्रियास के ऊपर अटैक कर रहा है, पैंक्रियास में सेल है एसिनार सेल। ठीक है, ये एसिनार सेल है। अब यहां पर क्या है, ये हार्मोन है, सॉरी एसिनार का मैं एसी हार्मोन बोल रहा हूं, पिट्यूटरी से निकल रहा है। अब इस एसी हार्मोन का रिसेप्टर है ये, ये क्या करेगी पिट्यूटरी, इसको ब्लड के फ्लूइड्स में डाल दिया, ठीक है ना। अब व्हेनेवर इट गोइंग टू बी रीच हियर, अगर वो यहां पहुंचेगा तो काम नहीं करेगा क्योंकि इसको अपने रिसेप्टर के साथ में जाकर बाइंड होना है। ठीक है, अब व्हेनेवर इट इज रीचेड इट तो भी कोई काम नहीं होगा। जब ये यहां पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, ये यहां पर पहुंचने के बाद अब इसके ऊपर अटैक करेगा, रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अपना काम स्टार्ट कर देगा। आई बात समझ में? तो ग्रोथ हार्मोन और सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी आप लोगों के पास में क्या होता है, बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, एज वेल एज द केस ऑफ वेस्ट। अगर हम लोग वेस्ट की बात करें, वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इन द केस ऑफ वेस्ट द सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्वाइट मैंडेटरी, वो भी बहुत जरूरी है। बिकॉज वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट CO2, देन CO2 इज ऑलवेज रिगार्डेड एज अ मेटाबॉलिक गैसियस वेस्ट। ठीक है, आप लोगों की बॉडी में मेटाबॉलिक गैसियस वेस्ट जो है वो भी CO2 रिक्वायरमेंट है। ओके, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द किडनी, अगर हम लोग किडनी की बात करेंगे तो किडनी के अंदर क्या होता है, किडनी में भी तो बेटा ब्लड फिल्टर होता है, तो ब्लड में ही तो इम्प्योरिटीज है, सर्कुलेटरी सिस्टम की तो इम्प्योरिटीज आ रही है। तो वो क्या होता है, जनरली अगर हम लोग बात करें तो वेस्ट के रिमूवल के लिए भी आप लोगों का सर्कुलेटरी सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। ओके, नाउ वी आर कंसिडरिंग, हालांकि आपका एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मैंने थोड़ा सा एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा एजेस में लिया है। ठीक है, फॉर द अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस, मैंने लर्निंग के प्रोसेस से लिया है, स्टडी के प्रोसेस से लिया है। ठीक है ना, अगर हम लोग बात करें, मैं लीनियर लैंग्वेज में बात करूँ, सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है, ये वर्ड से बना बेटा, सर्कुलेशन मतलब घुमाना, किसी भी चीज को घुमाना, मूव लगातार घुमाते जाओ। ठीक है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में लेते जाओ, घुमाते जाओ। ठीक है, एक तो सर्कुलेशन, एक होता है ट्रांसपोर्ट। अब काफी लोग क्या करते हैं, दोनों में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट और सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन का मतलब होता है मूव घुमाना, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि व्हेनेवर द मॉलिक्यूल इज पिक फ्रॉम हियर, अगर कोई मॉलिक्यूल यहां से उठाया तो उसको यहां छोड़ दिया गया। ठीक है, एक अल्टीमेट डिस्टेंस पे लाकर छोड़ दिया गया। और ट्रांसपोर्ट जो है हेल्पिंग मैकेनिज्म है, साइड मैकेनिज्म सर्कुलेशन की, वो एक साइड मैकेनिज्म है किसका, सर्कुलेशन का। राइट, एग्जैक्टली। ओके, अब बात करते हैं आगे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर अगर हम लोग बात करें आगे, तो विच काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हैज बीन फॉर्म, कितने टाइप का होता है। बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब दो टाइप का है, टू काइंड, कौन कौन से, ओपन एंड क्लोज। यानी जहां पर ओपन का मतलब पता क्या है, बॉडी की कैविटी के अंदर, हम एनिमल किंगडम की बात पहले कर भी लेकिन दोबारा भी करेंगे कि यहां पर क्या है, सपोज आपके ऑर्गेनिज्म में यहां बॉडी कैविटी जो है, बॉडी कैविटी के अंदर बेटा डायरेक्टली क्या है, ब्लड का फ्लो होता है, सीधा ब्लड का फ्लो हो रहा है बॉडी कैविटीज के अंदर। राइट, लेकिन अगर मैं बात करूं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, तो क्लोज में क्या होता है, क्लोज में बेटा आप लोगों के पास अलग अलग टाइप की वेन्स होती है, आर्टरीज होती है, और आर्टरीज वेन्स में या फिर वेसल्स के अंदर आप लोगों का क्या होता है, नॉर्मली सीक्वेंस का या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बॉडी फ्लूइड्स का फ्लो होता है। ठीक है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा किसमें होता है, जो स्मॉलर ग्रुप है एनिमल्स के, स्मॉलर ग्रुप है उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्पॉन्ज की बात करूं, तो स्पॉन्ज किस ग्रुप के अंदर है, पॉलीफेरस ग्रुप के अंदर है। अच्छा, पॉलीफेरा जो है वो नाम से है पोर्स, यानी इनकी जो बॉडी है वो पोर्स के फॉर्म में है। सपोज कि वन पोर इज देयर एंड सेकंड फॉर्म पोर इज देयर, तो अब क्या करेगा, बॉडी फ्लूइड यानी कि वाटर जो इन पोर्स के थ्रू जाके ट्रांसफर होता है। ठीक है ना, और मेटल्स का भी ट्रांसफर करता है। तो ये क्या है,
पॉरिफेरेंस पोर्स के थ्रू, ठीक है ना। यहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज नहीं है, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ कैविटीज होती है, उन कैविटीज में से ब्लड बाहर निकल जाता है डायरेक्टली, ठीक है ना। उन कैविटीज में से भी आप लोगों को फ्लूइड्स बाहर निकल जाते हैं। स्पॉन्ज इन सिलिंड्रेटस डजंट हैव एनी काइंड ऑफ ब्लड, के पास कोई ब्लड नहीं होता। अब मैंने बात किया ब्लड, ब्लड क्या है, इट इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में लेंगे इसको, ब्लड को। ब्लड किसमें होता है, हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है, आप में है, मुझ में है, ठीक है। ये क्या करता है, ब्लड जो है ब्लड अपनी ब्लड वेन्स में, आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज के अंदर बहता है, ठीक है। तो ये क्या है, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। कौन सी टाइप का है बेटा, इट इज गोइंग टू बी क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। एंड टिश्यू फ्लूइड वी ऑल हैव कंटेन दैट, हम लोगों के सबके पास है। दीज आर लिम्फ, ये क्या है बेटा, लिम्फ मॉलिक्यूल है, लिम्फ है। तो लिम्फ भी क्या है आप लोगों का, डायरेक्टली किसके थ्रू ट्रांसफर होता है बच्चों, लिम्फ जो है वो भी, टिश्यू फ्लूइड जो है वो भी आप लोगों के लिम्फ वेसल्स के अंदर ट्रांसफर होता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्वाइट मैंडेटरी एंड इट इज ऑफ टू टाइप, ठीक है। आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जहां पर जो आप लोगों का बॉडी फ्लूइड्स है वो डायरेक्टली कैविटी के अंदर बहते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ सर्कुलेटरी वेसल्स, एनी काइंड ऑफ वेसल्स, ठीक है ना। बट इन द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लोज, दैट इन द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देयर आर ह्यूज काइंड ऑफ वेन्स, आर्टरीज एंड अदर काइंड ऑफ वेसल्स हैज आल्सो बी फाउंड for the transport of or the transfer of for the transferring of body fluids entire the body, ठीक है, entire whole body, हमारे पूरे शरीर में लाने ले जाने के लिए क्या होती है, veins होती है, arteries होती है, जैसे कि आप लोगों की body में भी है, मेरी body में भी है। तो ये क्या है, higher vertebrates की बात कर रहे हैं, लेकिन lower में किस type का होता है, open type का circulatory system पाया जाता है, ठीक है। और circulatory system की requirement है for the transport of nutrients, for the transport of oxygen, for other substances such as growth factor, hormones and for also for the transport of the removal of waste material, the circulatory system is being mandated, ठीक है, वो बहुत जरूरी है, क्लियर है बेटा, ओके, थैंक यू।